सो हाय गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू साइलेश एडिटिंग जोन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना बेस्ट कैमरा ऐप के बारे में गाइज बताने वाला हूँ जो कि DSLR को माप देगा। गाइज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि इस कैमरे की ना क्वालिटी इतना बेहतरीन है गाइज ना, इसमें आप मैनुअल भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं लाइट को भी और सारी चीज़ों को भी गाइज, जैसे आप अपने कैमरे में करते हैं। तो इस वीडियो में गाइज आपको पूरा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के सामने गाइज कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइज आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से कैमरे की आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस गाइज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइज, मैं इतना आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा ना कि आप इस कैमरे को ऐसे चुटकियों में यूज कर सकते हैं। तो पहले तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो 3 डॉट के आइकन पे गाइज आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही गाइज क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे आप पूरा अलाउ कर दीजिएगा, जो भी आपको चाहिए HDR वाला भी चाहिए तो इसे भी आप अलाउ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो मैंने फिलहाल के लिए गाइज करके रखा है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा और गाइज बैक आने के बाद सिंपल से आप लोगों को मैं और सारा सेटिंग्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपल से गाइज यहाँ ऊपर साइड में ना फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो फिल्टर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने गाइज ढेरों सारे फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये है ब्लैक एंड व्हाइट वाला गाइज, यहाँ पे बहुत सारे आपको फिल्टर्स देखने को मिलेगा। तो गाइज ये वाला फिल्टर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बवाल सी दिख रही है। तो गाइज यहाँ पे बहुत अमेजिंग फिल्टर आपको मिल जाएगा, तो कुछ भी आप यूज करके आप अपनी फोटो को गाइज क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइज कितना अच्छा सा हम लोगों का यहाँ पे फिल्टर का यूज कर लिए हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसी को रहने देता हूँ और इसे रहने देने के बाद सिंपल से गाइज ना आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ कि इस कैमरे को आप मैन्युअली भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैन्युअल यूज करने के लिए सिंपल से गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे साइड में एक ऑटो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ऑटो वाले ऑप्शन पर आप ना सिंपल से ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल वाले ऑप्शन पे गाइज आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और गाइज जैसे ही आप क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने देखिए ISO का ऑप्शन आ गया है, SS का ऑप्शन आ गया है, वाइड बैलेंस का ऑप्शन आ गया है। यानी गाइज आप जो आप अपने कैमरे में ना मैनुअल सेटिंग करते हैं आप यहाँ ईजिली कर सकते हैं। तो गाइज कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ISO पे क्लिक किया और इसकी ISO को मैंने कम किया, तो देख सकते हैं इस फोटो की लाइट कितनी डल सी हो गई, यानी कि कम हो गई है। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए इसे एडजस्ट करके फुल कर लेता हूँ और उसके बाद फुल करने के बाद गाइज देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। फिर वाइट बैलेंस को भी गाइज यहाँ से आप लोग ईजिली छेड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे गाइज, तो यहाँ पर एक है सूर्य वाला मिल जाएगा, यहाँ पे वेदर वाला मिल जाएगा, कई सारे ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों मैं यहीं रहने देता हूँ जो है हम लोगों का, और फिर यहाँ पे SS आपको एक मिल जाएगा तो इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं गाइज। देख सकते हैं हम लोग की फ़ोटो इसे अप डाउन आप करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी मीडियम में ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा सेटिंग कर सकते हैं गाइज, आपको हर एक तरीका यहाँ पे मिल जाएगा, आप अपनी फ़ोटो को ना इतना बेहतरीन से क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है। फिर यहाँ पे ना गाइज प्रो वाले पे क्लिक करके आप सिंपल से यहाँ पे HDR में भी आप अपनी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये HDR कैमरा है गाइज, इसका भी आप यूज ईजिली कर सकते हैं। कैसे करना है गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, तो आप इसका यूज ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज ये था हम लोगों का HDR वाला कैमरा। गाइज इसके बाद हम लोगों का आता है ना, यहाँ से मैं फिर से ऑटो पे गाइज चले जाता हूँ। ऑटो पे गाइज देख सकते हैं हम लोगों ने आ गया है, और आने के बाद गाइज यहाँ पे ना आप लाइट को एडजस्ट करके लॉक भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक ताला का आइकन मिल जाएगा, इस पर गाइज आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये ऑटो एक्सपोजर जो होता है ना ये सेट कर लेगा कितना आपको फोटो में अपनी लाइट को रखना है। तो फिलहाल के दोस्तों यह मैं हटा देता हूँ, और इस साइड देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी आप ऑन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये फ्रंट का व्यू है गाइज, अभी मैं फ्रंट में कुछ इस टाइप से फ़ोटो को शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरा है। लेकिन दोस्तों क्या करें, हम लोग इसे बैक कैमरे के कर लेते हैं, और बैक कैमरा कर लेने में गाइज यहाँ पे आपको फ्लैश का ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और गाइज ये था इस पूरे कैमरे की सेटिंग जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर गाइज आप इन सारे सेटिंग का यूज करते हैं ना तो आप भी अपनी फ़ोटो को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप ये जान लीजिए इस ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। तो फटाफट से आप मेरे स्क्रीन पर चलिए, मैं वहां पे आपको सारी चीजें बता देता हूं।
दोस्तों सिंपल से आपको अपनी प्ले स्टोर को यहाँ से ना ओपन करके सर्च बार में जाके ना सिंपल से आप लोगों को लाइट रूम लिख देंगे और यहाँ पे सर्च करके और सिंपली गाइज यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यही था ऐप गाइज, आप प्ले स्टोर पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।